सवाल एक्चुअल में यह है कि सबसे पहले तो कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, क्या जो आदमी स्पिरिचुअलिटी में है क्या वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कट गया? हो सकता है हाँ, हो सकता है ना। हो सकता है एक मटेरियलिस्टिक आदमी इस वर्ल्ड में रह करके एक स्पिरिचुअल आदमी जो पहाड़ पे जाकर के चोटी पे बैठा हुआ है उससे लाख गुना ज्यादा स्पिरिचुअल हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है किसी भी वे में वो बिल्कुल ही अनस्पिरिचुअल हो, वो बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक हो, तो सारा खेल यहां है। देयर इज नो डिवाइडिंग लाइन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म, ये सिर्फ हमारे मन के वहम है। हम खुद अपनी एक इमेजिनरी एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएट करके अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए या तो हम बोल रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं या हम बोल रहे हैं कि हम मटेरियलिस्टिक हैं। आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो या फिर सच में आप कट चुके हो उसमें रहते हुए भी। अच्छा, जैसे कमल खिलता है, कमल का क्या सिंबल है? कीचड़ के अंदर से कमल खिल रहा है। क्या आप उस तरीके से हो? और ये कीचड़ क्या है? कहीं ये दुनिया ही कीचड़ तो नहीं है? और इसमें से खिलना, इससे हल्का सा ऊपर उठना, क्या यही स्पिरिचुअलिटी है? या इसमें रमे रहना और उसको स्पिरिचुअलिटी का नाम देना, मटेरियलिस्टिक चीजों का नाम देना, रिलीजन का नाम देना, भगवान का नाम देना, क्या वो स्पिरिचुअलिटी है? अभ्यास आपका राइट है, आप कर सकते हो, यही करना है। वैराग्य आप नहीं कर सकते, वो होता है अपने आप अभ्यास के थ्रू। कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज पे, किसी भी काम पे, चाहे बाहर चाहे अंदर, आप कर सकते हो। मेडिटेशन आप नहीं कर सकते, मेडिटेशन में जा सकते हो। कोई अगर आपको कहता है ना कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, इसकी मदद से मैं अच्छा अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान में आप चले जाते हो, जब कुछ करना ना पड़े, अपने आप होने लग जाए, तब आप ध्यान की उसमें हो, अवस्था में। सो अब ये वैराग्य होता क्या है? अगर आप किसी चीज को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको छोड़ने से अटैचमेंट हो गई है, इसको भी छोड़ना है। तो चीजें छूटती कैसे है? ये वैराग्य है क्या? अभ्यास करते 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 एक ऐसी स्टेट आ जाती है जब आप आगे बढ़ते हो। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखो चीजें कैसे छूटती हैं, ऐसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में छूटती है। आज आपके पास में साइकिल है, बाइक है, स्कूटर है, क्या है आपके पास में? बाइक है। तो अगर आपको कोई आकर के देगा कि भैया मेरी साइकिल ले ले और अपनी बाइक मुझे दे दे, दे दोगे? नहीं दोगे। गाड़ी देगा तो? हाँ, फिर तैयार है। गाड़ी बढ़िया, गाड़ी यार बढ़िया, ब्रांड न्यू गाड़ी, एक्सचेंज हो जाएगी गाड़ी आपको मिल गई। सपोज सेंट्रो मिल गई, कल को कोई आता है और बढ़िया आपको गाड़ी दे देता है, होंडा सिटी दे देता है, कर लोगे एक्सचेंज सेंट्रो से? कर लोगे। तो आपने क्या किया, सेंट्रो को छोड़ दिया और होंडा सिटी को पकड़ लिया। इसी को वैराग्य बोलते हैं। जब भी हमको कोई बड़ी चीज मिल जाती है तो छोटी अपने आप ही छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। जिसके पास में सिर्फ बाइक है उसको आप बोलोगे मेरे को अपनी बाइक दे दे, आप अपनी जान लगा दोगे, अपनी बाइक नहीं दोगे, लव पड़ोगे उस आदमी से, चार लोग भी आ जाएंगे, आप बाइक को नहीं छोड़ोगे, लेट जाओगे वहां सड़क पे, बाइक नहीं छोड़ूंगा, है ना? और गाड़ी मिल गई तो बाइक छूट गई। गाड़ी के बाद में जेट प्लेन मिल गया तो क्या आपको गाड़ी की टेंशन रहेगी? नहीं। फिर आप जेट को नहीं छोड़ोगे, जब जेट से भी बड़ा कुछ मिल गया तो जेट अपने आप छूट जाएगा। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में समझ आने की बात है ना, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी, इसी को कॉन्शियसनेस बोला गया, इसी को नॉलेज बोला गया, अलग अलग नाम से उसको बोला जा रहा है। नॉलेज कहां से आती है? कॉन्शियसनेस के स्तर के बढ़ने से। जितनी आपकी अवेयरनेस, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस दुनिया की बढ़ती चली जाएगी तो जो छोटी मोटी चीज है वो अपने आप ही छूटती चली जाएगी, छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी, छोड़ भी नहीं सकते। जब परम आनंद मिल गया तो छोटी छोटी चीजों में आपको कहां आनंद आएगा? जब भी आपका मन शांत होगा कुछ भी करने से, वो अच्छे कर्म। जिससे भी आपका मन अशांत होगा या दूसरों का मन अशांत होगा वो बुरे कर्म। अगर इसका मैं बेस बताऊं, बेस
कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. जो भी इस कैटेगरी में फॉल होता है वो अच्छे कर्म है, जो इस कैटेगरी से बाहर है वो सब बुरे कर्म है. वो क्या है? सबसे पहला सेल्फ इंक्वायरी, सबसे अच्छा कर्म है. इससे अच्छा दुनिया का कोई कर्म नहीं हो सकता. स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वो इंक्वायरी की स्पिरिट क्या है कि मैं हूं कौन. इससे अच्छा कर्म दुनिया में और कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपको अंदर लेकर के जा रहा है, बाकी सारे विचार आपको बाहर लेकर के जा रहे हैं. तो कितने लोगों के अंदर ये सवाल उठाए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने वाला हूं. दिस इज, इससे अच्छा कोई कर्म नहीं है दुनिया में. इसको पकड़ करके रखो. जब तक ये सवाल आपके अंदर है आप अच्छे कर्म कर रहे हो. जिस दिन ये सवाल आपके अंदर से निकल गया आप बुराई के रास्ते पे अपने आप ही चल पड़ोगे. चलोगे नहीं, चलने लग जाओगे. दूसरा क्या है? सेल्फ कंट्रोल. जो करने से आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा है, किसके ऊपर? अपनी 10 इंद्रियों के ऊपर. जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक दश इंद्रिय जिसको बोला गया माइंड. अगर सिंपल वे में देखा जाए तो इस 11 के बाहर और कुछ भी नहीं, सिर्फ इन 11 में आपको कंट्रोल करना है. वही लोग नहीं कर पा रहे. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कहता है कि मैंने स्विमिंग सीख ली. कहां सीखी? पानी के बाहर. पानी के बाहर तब पता लगेगा उसको स्विमिंग आती है नहीं, जब वो पानी के अंदर जाएगा. तो जब वो इंद्रियां आपके ऊपर हावी होती हैं, तब उस समय आपको अपनी विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति, जो इच्छा शक्ति किसकी है? उसी की है अंदर जो है, उसकी इच्छा शक्ति को लेकर के सामने आना है. और उस समय धीरे धीरे अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल आता चला गया, आता चला गया, एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जब आपको कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा. ये सब 10 की 10 इंद्रियां आपके कंट्रोल में होंगी. चाहोगे तो करोगे, चाहोगे तो नहीं करोगे. चाहोगे तो यहां से कुछ आएगा, चाहोगे तो नहीं आएगा. और एंड में जो 11वीं इंद्री बच जाएगी, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो है माइंड. धीरे धीरे जब ये 10 इंद्रियां हटेंगी, उसके बाद में जब ये माइंड आएगा आपके सामने निकल करके, विच इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपकी सारी पावर्स इस माइंड के अंदर है, सारी पावर्स. और इसके युद्ध को, इस माइंड के साथ के युद्ध को बोला गया है रामायण और महाभारत. इस युद्ध की बात है. ये कुरुक्षेत्र है ना, ये बॉडी ही कुरुक्षेत्र है, यही सोने की लंका है. इसको जलाना है, इसी के अंदर युद्ध होने हैं, तरह तरह के युद्ध होने हैं. अब उस युद्ध को कैसे लड़ना है, यही अभ्यास है, यही स्पिरिचुअलिटी. और इस युद्ध को लड़ करके कैसे जीतना है, जब आप जीत जाओगे तो धर्म की स्थापना अपने आप हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी, उसी को धर्म बोलते हैं. तब तक, जब तक कि आप नहीं जीतते उस युद्ध को, तब तक सब इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है. अधर्म में हम धर्म की बात करते चले जाएंगे और कहेंगे हम धर्मात्मा है. अरे ना भाई ना. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए. ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता. जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है. तो बेल आइकन को दबाइए ताकि आप भी कुछ नया नया सीख सके. इसका फायदा ये है कि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते हैं. तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें.